हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन। आज की रेसिपी है होली स्पेशल ठंडाई पाउडर मसाला। ड्राई फ्रूट्स से बनाया हुआ ये टेस्टी और हेल्दी मसाला पाउडर की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मसाला पाउडर बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं, करीब करीब आधा कप। साथ में ही आधा कप काजू लिए हैं, ये देखिए। पिस्ताशू लिए हुए हैं हमने 1/4 कप। यहाँ पे मेलन सीड्स है यानी खरबूजे के बीज 2 से 3 बड़े चम्मच। खसखस ली है हमने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच। ये सारे ड्राई फ्रूट्स अगर पुराने हैं तो इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके लीजिए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सौंफ ली है, 10 ब्लैक पेपर और 1 से 2 चम्मच हमने कार्डमम पाउडर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने ली है 2 से 3 बड़े चम्मच। और इसमें केशर हम यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिलेक्टेड सैफ्रॉन कंपनी का केशर। कई बार हम केशर खरीदते हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं निकलता है, तो अगर आप US में हैं और सिलेक्टेड सैफ्रॉन कंपनी का केशर अगर आपको मिल रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ये केशर सच में प्योर है और इससे कलर और खुशबू बढ़िया आती है। तो हम आज यही केशर यूज़ करने वाले हैं। 1 चम्मच केशर हमने लिया है और इसे भी हम हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला देते हैं। सिलेक्टेड सैफ्रॉन का जो केशर है ये आपको US में कोई भी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से है, इसके डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स है इन्हें हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद उन्हें हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा इसे पीसेंगे तो ये ऑयल रिलीज करेंगे और फिर वो ऑयली हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी पाउडर बना लेते हैं और इससे हम यूज़ करेंगे अलग अलग रेसिपीज़ में। आप मसाला मिल्क इससे बना सकते हैं, केक प्रिपेयर करते समय ये पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, पेनाकोटा, अलग अलग रेसिपीज़ में आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मसाला मिल्क बनाया है जिसमें मैंने ये ठंडाई की पाउडर ऐड करी थी और आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। और लास्ट ईयर हमने देखा था ट्रेडिशनल वे में आप ठंडाई कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्लेवर के साथ। तो हमने पटे के ऊपर इन सारे ठंडाई के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पीसा था, उसमें कुछ मसाले ऐड करे थे और उनका यूज़ किया था हमने ठंडाई बनाने के लिए। ट्रेडिशनल वे में ठंडाई को बनाने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया था दूध और साथ में ही हमने बनाई थी सीताफल फ्लेवर की ठंडाई। आपने अगर ये वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए। पटे के ऊपर ये मसाला हमने पीसा था और इससे बनाई थी हमने सीताफल फ्लेवर की ठंडाई। आप यहाँ पे मैंगो फ्लेवर, चीकू फ्लेवर या अलग अलग फ्लेवर्स की ठंडाई बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके देखिए ये रेसिपी। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में दे रही हूँ। आज की मसाला पाउडर की रेसिपी आपको पसंद आई, आपने अगर ट्राई करी तो मुझे बताना मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। फूड फोटोग्राफी को फॉलो करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर विजिट कीजिए। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।